दिनभर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेलर्स, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर्स। दिनभर के सह प्रायोजक हैं परदेसी फैमिली बाजार, कार्तिके एंटरप्राइजेस जो बनाते हैं घर को जन्नत। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत। एनआईसी बिल्डिंग में कृषि से संबंधित आला अधिकारी भी रहे मौजूद। चौरी चौरा में आयोजित हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। सीडीओ अनुज सिंह सहित एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। निस्तारित किए गए कई मामले। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस। सुनी गई फरियादियों की फरियादें, निस्तारण करने के दिए गए सख्त आदेश। चिलवाताल पुलिस को मिली कामयाबी, 25,000 का शातिर इनामी चढ़ा पुलिस के हत्थे। सीओ कंपियरगंज रोहन प्रमोद भोत्रे ने किया मामले का खुलासा। बड़े मंगलवार पर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पर किया गया विशाल भंडारा, पढ़ा गया हनुमान चालीसा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी भी रही मौजूद। जोरों पर है ईद की तैयारियां, शबाब पर है बाजार, सिटी वन विशेष। बड़े मंगलवार पर कालीबाड़ी मंदिर की ओर से आयोजित हुआ विशाल भंडारा, लोगों को परोसा गया हनुमान जी का प्रसाद। राजघाट पुलिस ने फिर छेड़ा कच्ची शराब के खिलाफ अभियान, एक हफ्ते में दो बार की गई बड़ी कार्रवाई। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति चुने जाने पर गोरखपुर प्रथम आगमन के मौके पर विश्वविद्यालय में किया गया स्वागत। शुरू हुआ नैनसर का टोल प्लाजा, वसूला जा रहा है गाड़ियों से टैक्स। स्थानीय लोगों में नाराजगी, मैनेजर ने रखा अपना पक्ष। और तेज रफ्तार बाइक ने मारी ठेले वाले को ठोकर, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। जख्मी बाइक सवार को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। मृतक के घर में पसरा मातम का माहौल। वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ विषय में एक आवश्यक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईसी सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में लखनऊ से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर सहित अन्य जिलों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात की। अगर बात गोरखपुर की जाए तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर ओमवीर सिंह, कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य किसान भी मौजूद रहे। आपको चाहिए, पहले पुराने जमाने में हम लोग उसको करते थे, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस का परिणाम ये होता है कि या तो उसका उत्पादन घटता है या बीमारियां उसके भीतर पैदा होती हैं, और लोगों ने उस फसली चक्र को अपनाया था। हम सब लोगों ने धीरे धीरे करके एक ही प्रकार की धान, गेहूँ और गन्ना, और उसमें भी एक ही प्रजाति होते हैं, जल्दी हम वेराइटी बदलने के लिए तैयार नहीं होते हमारे लोगों से। गोरखपुर के चौरी चौरा में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन कार्यवाहक जिला अधिकारी सीडीओ अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही चौरी चौरा के तहसीलदार रत्नेश त्रिपाठी भी फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए उपस्थित थे। बारी बारी से इन समस्याओं को सुना गया, जिसमें से कुछ का निपटारा तत्काल प्रभाव से कर दिया गया और बाकी मामलों के लिए उन्हें आश्वस्त किया गया। सामान्य निर्वाचन 2019 चुनाव संपन्न होने के बाद पहला संपूर्ण समाधान तहसील दिवस सदर तहसील में आयोजित किया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद सुनी गई। तहसील समाधान दिवस पर मुख्य रूप से जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि अगले संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में सभी फरियादियों के कार्य का निस्तारण करा दिया जाए और कराने के बाद उनके सामने उसे रखा जाए। इस मौके पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित ने राजस्व कर्मचारियों को आए हुए फरियादियों के समाधान के लिए निष्पक्षतापूर्ण सभी फरियादियों के कार्यों को निस्तारण करने को कहा।
चिल्वाताल पुलिस द्वारा 25,000 का इनामी शातिर गैंगस्टर अपराधी गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ पाइप फैक्ट्री में चोरी की घटना का भी चिल्वाताल पुलिस ने खुलासा करते हुए फैक्ट्री की कीमती वस्तुओं को बरामद कर शातिर अपराध को गिरफ्तार किया है। चिल्वाताल थाने पर सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी कंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने इस बात की जानकारी देते हुए हमारे सिटी वन चैनल को बताया। 6/2019 को गिरफ्तार किया गया, क्या अपराध में इसके ऊपर से क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? क्रिमिनल हिस्ट्री इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। एक गैंगस्टर का मुकदमा है जिसमें इसका नाम है 236/18, एक 394/411 का एक मुकदमा है, 449/14 14 साल का है, 318/16 है और 349/39/16 है एक मुकदमा। सर अकेले ही वारदात को अंजाम देते थे इसके साथ? नहीं, इस जब संभवतः इसके ऊपर देखो गैंगस्टर मुकदमा है और कुछ इसके साथ ही साथी भी हैं, तो साथियों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग अभी कोशिश करेंगे। जेठ माह के पावन पर्व पर बड़े मंगलवार का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ किया गया, जिसके तहत रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व विधान परिषद सभापति गणेश शंकर पांडे, पूर्व महापौर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे सहित अन्य रेलवे अधिकारी समाज सेवी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ईद की तैयारियां पूरे जोरों पर है और अगर बात बाजारों के रंगत की जाए तो बाजार पूरी शबाब पर है। गोरखपुर का चांद बाजार इस समय खरीदारों से पटा पड़ा है। सिटी वन ने इन्हीं बाजारों को अपने कैमरों की नजर से देखा। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई त्यौहार पड़ा है तो वो है ईद। ईद की खरीदारियों को लेकर बाजारों में दिन और रात रंगत छाई हुई है और ग्राहकों से बाजार पटे पड़े हैं। क्या शामारूफ, क्या घंटाघर, क्या उर्दू बाजार और क्या रेती चौक, सभी बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। आखिरकार 30 दिन के रोजे के बाद खुशियों वाला दिन ईद दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है, जिसका इस्तकबाल करने के लिए सभी बेकरार हैं। तपती धूप में भी खरीदारों का उत्साह देखते ही बनता है। किसी को बाजार में लगे रेडीमेड कपड़ों ने लुभाया तो कोई लेदर और लेदर जैसी दिखने वाली बैगों की तरफ आकर्षित हुआ। ये बाजार सभी आमो खास आवाम के लिए अपनी बाहें पसार कर उनका स्वागत करता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपकी जेब और आपकी हैसियत के मुताबिक बड़ी ही आसानी से मिल जाया करती हैं। ये बाजार किसी को निराश नहीं करता और खाली हाथ लौटने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि चांद रात का ये मार्केट लोगों के तन को
₹100 में भी पूरी तरह से ढकने की औकात रखता है। ईद को लेकर रोज़ेदारों ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। बाज़ार में जहां एक ओर दिन भर रोज़ेदारों की भीड़ देखी जा सकती है, वहीं दूसरी ओर हिंदू भाई बहन भी इस बाज़ारों में ख़रीदारी करते हुए नज़र आए। बात जूते चप्पल की हो या फिर क्रॉकरी के महंगे सामानों, चांद रात के इस बाज़ार में सभी मौजूद हैं और वो भी बड़े ही मुनासिब दामों में। सिटवन ने ऐसे ही एक दुकानदार से बात की और जानना चाहा कि आखिर इस बाज़ार की रंगत चांद रात वाले दिन क्यों पूरे शबाब पे होती है। जितने भी खर्चे में अपने में है, जितनी जिसकी चादर उसमें आके अपनी खरीदारी करे ताकि त्यौहार सभी लोग मना सके। मैं देखा हूँ कि काफ़ी कम दामों पे भी आप सामानों को भी मुहैया करा दिया करते हैं लोगों को, और हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग आते हैं। सारी कौम में जितने हैं सब, जितनी इस चांद रात में आप अमूमन रात में अगर चांद आज इंशाल्लाह हो जाएगा तो आप रात को आएंगे तो देखेंगे तो सारे धर्म के लोग मार्केटिंग करेंगे। जरूरी नहीं कि खाली मुस्लिम ही आगे मार्केट करते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं क्योंकि उनके मतलब उनके रेंज में रहती है, वो आते हैं लेके चले जाते हैं। इसमें कोई किसी एक का धर्म तो है नहीं, सभी लोगों को मनाने वाला धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं चाहे किसी के ईसाई धर्म कोई भी हो, सभी लोग यहाँ मिलकर धर्म मनाते हैं। ईद का मौका हो तो ऐसे में परंपरागत कुर्ते पैजामे अपने अलग ही महत्व रखते हैं। कुर्ते पैजामे की दुकान पर भी लोग सहज ही खींचे चले आ रहे हैं। हमने बात की ऐसे ही एक लड़के से जो उस समय दुकान पर नए नए डिजाइनों वाले कुर्ते बेच रहा था। तो आपको ज़्यादा चल रहा है पठानी सूट कलर में, और ये पठानी सूट आएगा वाइट कलर, इसका कपड़ा भी बढ़िया मिलेगा आपके पास। देखिए हमारे पास बच्चों का आएगा, बड़ों का आएगा, इसमें देखिए सस्ते का सस्ता आएगा, लोअर आएगा, इसमें हमारे पास ये कुर्ता आएगा, ये देखिए ये कुर्ता जो आप देख रहे हैं ये सस्ता है और इसमें 850 का ये भी प्योर कॉटन। अच्छा, लोगों में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट? लोगों की ज़्यादा डिमांड कुर्ते पैजामा आज के दिन के लिए, आज के दिन क्योंकि सबको ईद के समय कुर्ते पैजामा पहनना है। सस्ते में ही जीन्स और टी शर्ट में ईद मनाना चाहता है तो किसी को बाजार में आए नए सलवार सूट लुभा रहे हैं। जैसे जैसे चांद के दीदार का वक्त नज़दीक आता गया वैसे वैसे ये बाज़ार भी परवान चढ़ता गया, और ईद की बात अगर की जाए तो ऐसे में सेवइयां अपने आप में ख़ास महत्व रखती हैं, जिनको लेने के लिए ग्राहक सुबह से ही दुकानों पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आए। अलग अलग सेवइयों की अलग अलग खासियत, और इसी खासियत से खरीदार इन दुकानों पर जुटे रहे। अगर बात इत्र की जाए तो ये भी अपने आप में इस त्यौहार के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सामान के तौर पर देखा जाता है। इस त्यौहार में इत्र भी अलग अलग किस्मों के बाज़ारों में मौजूद हैं। चलिए अब ज़रा चलते हैं टोपियों की तरफ। टोपियां भी इस मार्केट में अपने अलग अंदाज में इस बार आई हैं, कहीं अफगानी टोपी है तो कहीं हिंदुस्तानी। अलग अलग डिजाइनों की टोपियां इस बार इस बाज़ार में अपने अलग अलग जलवे भी बिखेर रही हैं, जिससे ईद के दिन पहनकर सभी अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए बेकरार हैं। हमने बात की ऐसे ही टोपी बेचने वालों से तो उसने इसकी खासियत के बारे में बताया। ये हमारे और से सब लगाए हुए हैं, ये वाली हैदराबाद वाली ये टोपी है, इसका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, हर आदमी ओवैसी की टोपी मांग रहा है काटन में। और बाकी ये एक टोपी आई है लोगो टोपी, इसका ट्रेंड एक ज़्यादा चल रहा है जी। इस टोपी को क्या कहते हैं? इसको वो लोगो टोपी बोला जाता है इसको हम लोग, और इसको लोगो टोपी लगा चुके हैं, और इसको लोगो टोपी बोला जाता है इसी वजह इसी नाम से बिकता है लोगो टोपी से। ईद का दिन खुशियों का दिन होता है क्योंकि 30 रोज़े के बाद रोज़ेदार इस दिन अपनी खुशी का इजहार करता है और दुआओं में अपने और अपने मुल्क की सलामती ऊपर वाले से मांगता है। सिटी वन से बात करते हुए बाज़ार में आए एक ख़रीदार ने अपनी खुशी कुछ इस तरह से जाहिर की। में जितना मतलब माल बचा रह जाता है वो सारे माल को निकाल के बाहर करके वो 100 का माल 50 में 20 में
इस तरह और काफ़ी हद तक जैसे कि हिंदू भाइयों और इन लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, यही कारण है इसका। और मार्केट तो है, देख ही रहे हैं कि अभी सबाब पर चल रहा है, इस महीने में बड़ा अफजल महीना है, इस महीने में लोग जकात निकालते हैं, फितरा देते हैं, नमाज से पहले फितरा वाजिब है, फितरा देना वाजिब है। और बताइए मार्केट पूरे शबाब पे चल रहा है, देखेंगे क्या आपको लग रहा है? शबाब में पहले की तरह मार्केट आजकल हल्की हुई है, पहले से जो है बहुत हल्की हुई है मार्केट। इधर चुनाव आ गया, फिर उसके बाद इलेक्शन, इसीलिए जो हर लोग त्रस्त हो चुके, खर्चे की वजह से त्रस्त हो गए हैं। शहर की प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज का वक्त तय हो चुका है। अगर मंगलवार को चांद दिखा तो निश्चित तौर पर बुधवार की सुबह ईद मनाई जाएगी। सिटी वन चैनल के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ईद की तैयारी यानी कि बाज़ारों की रंगत पूरे शबाब पे है और लोग यहाँ पर जमकर ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। चूँकि आज हो सकता है कि चांद का दीदार हो जाए और तभी से ये खुशियों का इजहार करने वाला त्यौहार ईद शुरू हो जाएगा। कल से सारे लोग ईद मनाएंगे, सारे मुसलमान भाई ईद मनाएंगे, हमारे हिंदू भाई भी उसमें शिरकत करते हैं। 30 दिनों तक पाक रमज़ान महीने का एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है अपने आप में और हमेशा मनाया जाता रहेगा जब तक ये जहां है। अपने सहयोगी सिटी वन के रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे, सिटी वन चैनल। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, चलकल बिल्डिंग, गोल घर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी, एडवांस लैप्रोस्कोपी, इंड्रोस्कोपी, गैस्ट्रो सर्जरी, स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर। डॉक्टर शिवशंकर शाही, सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं, जैसे पित्त की थैली, अपेंडिक्स, बच्चेदानी, रसौली। ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन, पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी, आंत का फंसना, आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेस्ट थायराइड, हार्निया, बवासीर, हाइड्रोसील का इलाज, ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता, शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, निकट पूर्वांचल बैंक, बुद्ध विहार कॉमर्शियल, तारामंडल, पुलिस चौकी के पीछे, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव, 9839016009, 9935908811। ए 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
कार्तिकेय एंटरप्राइजेस जो बनाते हैं घर को जन्नत। पूर्वांचल का एकमात्र सोमानी का एक्सक्लूसिव शोरूम जहां पर है कजारिया, एजीएल, ग्रेनाइट। हमारी विशेषताएं सभी प्रकार के वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी के सभी सामान एक ही छत के नीचे। हमारे पास है भारत के सबसे विशाल आकार के टाइल्स। तो खरीदारी के लिए संपर्क करें कार्तिकेय एंटरप्राइजेस, भगत चौराहा, गोरखपुर। हमारी सहयोगी प्रतिष्ठान आदित्य एंटरप्राइजेस, झांसी कटरा, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9839535019। हमारी ब्रांच महाराजगंज में भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। बड़ा मंगलवार लोगों में नए उत्साह का संचार करने के लिए अपने आप में नई ऊर्जा लेकर आता है। इसी ऊर्जा को लोगों में बांटने के लिए कालीबाड़ी मंदिर की ओर से जेठ महीने के इस बड़े मंगलवार पर लोगों का पेट भरा गया। मंदिर की ओर से एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हनुमान जी का प्रसाद लिया। इस मौके पर कालीबाड़ी के महंत रविंद्र नाथ दास भी मौजूद रहे जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद परोसा। राजघाट पुलिस की ओर से लगातार कच्ची शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ी जा रही है और ये अभियान सिलसिलेवार तरीके से जारी है। मंगलवार को भी राजघाट एसओ आर के पांडे के नेतृत्व में ये अभियान जारी रखा गया जिसमें सैकड़ों कुंटल कच्ची शराब और लहन बरामद किए गए। अमृतानी का क्षेत्र कच्ची शराब के लिए कुटीर उद्योग के जमीन के रूप में जाना जाता है जिस पर लगातार राजघाट पुलिस अपना कहर बरपा रही है। जून के पहले ही सप्ताह में पुलिस ने दूसरी बार ये बड़ी कार्रवाई की है। लगातार अवैध शराब से हो रहे नुकसान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चेकिंग की जा रही है और हम आज खड़े हैं गोरखपुर शहर के अमृतानी में जो एक कच्ची शराब का एक बहुत बड़ा अड्डा है और अभी यहाँ के जो पास का थाना है राजघाट के थाने के थानेदार और सिपाही सहित यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और लगातार नष्ट कर रहे हैं। जब वो यहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे कच्ची का निर्माण कर रहे थे और फिर वो भाग गए और यहाँ पे हजारों कुंटल लहन और कच्ची शराब भी मिली है जिसको लगातार नष्ट किया जा रहा है और खोजा जा रहा है कि और कहाँ पे यहाँ कच्ची शराब बनती है जिससे कि नष्ट किया जा सके, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये समाज के एक अंदर खोखला कर रहा है। तो इसी के देखते हुए लगातार दबिश डाली जा रही है कि अवैध शराब को समाप्त किया जा सके। बैजू गुप्ता, सिटी वन के लिए, रुपेश के साथ। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति नियुक्त होने के बाद गोरखपुर प्रथम आगमन पर आज उनके स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के शिक्षक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन एवं स्वागत किया। आज के हमारे मुख्य अतिथि का
इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिंदी भाषा की अनिवार्यता के बारे में उन्होंने बताया। हिंदी कभी अनिवार्य भाषा नहीं, इसलिए यह बात तो बेमानी है। हिंदी अनिवार्य भाषा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों में है और वहाँ कोई सरकार समाप्त नहीं कर सकती और समाप्त करना भी। त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य है कि एक हिंदी हो, एक वहाँ की स्थानीय भाषा हो और एक विद्यार्थी अपने ढंग से भाषा का चुनाव कर सके, जिसके कारण से त्रिभाषा सूत्र को लेकर के दक्षिण के एक दो राज्यों में थोड़े से प्रतिरोध के सुने और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिसे हिंदी का हृदय प्रदेश कहते हैं वहाँ यह दुष्प्रचार जैसा आ रहा है कि हिंदी की अनिवार्यता समाप्त हो। गोरखपुर पीपीगंज के नैनसर टोल प्लाजा पर मंगलवार से वसूली शुरू हो गई है, जिसमें स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स की वसूली की जा रही है, जिससे वहां के लोग नाराज हैं। गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के पीपीगंज भगवानपुर के गैस एजेंसी के बगल में सुनौली के तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और ठेले में जा लगी, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने घायल सूरज को प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं ठेला लेकर आ रहे वीरेंद्र गौड़ की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ठेले वाला वीरेंद्र, जिसकी मौत हो गई, वह अपने पीछे एक बेटी और दो बेटों के साथ अपनी पत्नी को छोड़ गया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।